सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कार ब्रांड्स कौन सी हैं और सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं, इन दोनों टॉपिक पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 SUVs के बारे में। 25th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 1502 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 24th पोजीशन पर है इसी की बहन टाइगुन, जिसकी 1628 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त में। 23rd पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 1723 यूनिट्स बिकी हैं। चाहे कुछ भी हो, एलिवेट ने कम से कम कुशैक और टाइगुन को तो पीछे कर रखा है। 22nd पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 1814 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 21 पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की हैरियर, जिसकी 1892 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हैरियर का जो प्री फेसलिफ्टेड वर्जन था वो करीब करीब 2500 यूनिट्स पर मंथ टच कर जाता था, लेकिन जब से ये फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, जिसके बाद ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड हो गई है, तब से ये 2000 भी ढंग से टच नहीं कर पाता। 20 पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की सफारी, जिसकी 1951 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक बदलाव और आया है, जब इन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं हुआ था तब हैरियर ज़्यादा बिकती थी और सफारी कम बिकती थी, लेकिन अब सफारी ज़्यादा बिकती है और हैरियर कम। वजह वही है, ओवर प्राइस्ड होना। ये देखो, ओवर प्राइसिंग की बात करी नहीं कि सबका बाप आ गया। 19th पोजीशन पर है ओवर प्राइसिंग का बाप टोयोटा की फॉर्चुनर, जिसकी 2338 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कुछ लोगों को बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन फॉर्च्यूनर बिल्कुल भी वर्थ गाड़ी नहीं है। ये सिर्फ अपनी इमेज के चक्कर में बिक रही है और कुछ नहीं। बाकी आप चेक कर सकते हैं उस गाड़ी की प्राइसिंग और बाकी गाड़ियों की प्राइसिंग, कि बाकी ब्रांड्स इस प्राइस में क्या क्या दे रहे हैं कस्टमर्स को और फॉर्च्यूनर में आपको क्या मिल रहा है। 18th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 2257 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 17th पोजीशन पर है टोयोटा की टेजर, जिसकी 3213 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टेजर कोई नई गाड़ी नहीं है, ये फ्रॉन्क्स का ही रिवेस्ट वर्जन है। आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 4262 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मैं आपको बता दूं कि थार रॉक्स की अभी तक बुकिंग तक चालू नहीं हुई है। ये जो सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 3-डोर थार का है। मतलब आप खुद देख सकते हो कि थार रॉक्स और 3-डोर थार में कितने अंतर हैं। उसके बाद भी लोगों ने 3-डोर थार को खरीदना बंद नहीं किया, बंद तो छोड़ो कम भी नहीं किया। पिछले महीने 3-डोर थार करीब 4385 यूनिट्स बिकी थी और इस महीने 4268 यूनिट्स बिकी हैं। कोई खास अंतर नहीं आया है 3-डोर थार की बिक्री पर। इससे हम क्या मतलब समझे, मतलब थार रॉक्स थार जैसी गाड़ी के कस्टमर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल नहीं रही, तभी तो लोग बाग थार 3-डोर खरीद रहे हैं, ना कि थार 5-डोर, जो कि बेहतर है 3-डोर से। अब ये तो एग्जैक्टली तभी पता चलेगा जब थार रॉक्स की डिलीवरी चालू होंगी कि भाई 3-डोर की ज़्यादा डिमांड है या फिर 5-डोर की। तभी पता चलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस गाड़ी की मार्केटिंग में जितना पैसा खर्च किया है वो यूज़फुल है या बर्बाद हो गया। 15th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 6494 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसमें बोलेरो के जो तीनों वर्जन है, बोलेरो, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो 9-सीटर, तीनों वर्जन इंक्लूडेड हैं सेल्स फिगर में। उसके बाद जाके ये 6500 बिकी है। 14th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर, जिसकी 6534 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 6536 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 12th पोजीशन पर आई है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 6632 यूनिट्स बिकी हैं। 11th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी एग्जैक्ट 9000 यूनिट्स बिकी हैं। मुझे लगता है ये लोग कस्टमर पहले ढूंढते हैं, उसके बाद गाड़ी बनाते हैं, तभी इनका एग्जैक्ट सेल्स फिगर होता है हर महीने। 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 9007 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट वगैरह लगभग हर किसी गाड़ी के ऊपर चल रहा है। मैं आज वीडियो बना दूंगा आपको, जिसके ऊपर कम से कम जिन गाड़ियों के ऊपर 1,00,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, उन सभी गाड़ियों को मैं इंक्लूड करने वाला हूँ उस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, इसकी 9021 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 8th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 9085 यूनिट्स बिकी हैं।
सेवंथ पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट, जिसकी 10,073 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त में। सिक्स पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, जिसकी 12,289 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। नेक्सॉन सीएनजी में जल्द ही लॉन्च होने वाली है और ये इंडिया की पहली सीएनजी होगी जिसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है। उसके बाद हो सकता है इस गाड़ी का सेल्स फिगर थोड़ा बूस्ट करे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है और जहां तक है ऐसा होगा कि टाटा कर्व की वजह से नेक्सॉन सीएनजी लॉन्च होने के बाद में ये अपनी पोजीशन बचा ले, वही काफ़ी होगा, क्योंकि लोग बाग कर्व की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्व ईवी जो कि 7 अगस्त को लॉन्च हुई थी, उस गाड़ी की 3,455 यूनिट्स बिकी हैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बाद में। इतना तगड़ा सेल्स फिगर पहले ही महीने अगर कोई गाड़ी दे रही है तो मुझे लगता है ये गाड़ी हिट करने वाली है। और इस गाड़ी की डिलीवरी 26 अगस्त से चालू हुई थी, 26 से 31 अगस्त के बीच में 3,500 कर्व ईवी डिलीवर की गई हैं। अब कर्व का जो पेट्रोल डीजल वर्जन है वो भी 2 सितंबर को लॉन्च हो गया है और सितंबर में देखते हैं कर्व की कितनी बिक्री होती है, वो हमें पता पड़ेगा अगले महीने मतलब कि अक्टूबर में। आगे बढ़ते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 12,387 यूनिट्स बिकी हैं। फोर्थ पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन, जिनका कंबाइंड सेल्स फिगर है 13,787 थर्ड पोजीशन पर आ गई है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी 15,643 यूनिट्स बिकी हैं। सेकेंड पोजीशन पर आ गई है हुंडई क्रेटा, जो पिछले महीने बेस्ट सेलिंग कार थी, इसकी 16,762 यूनिट्स बिकी हैं इस महीने। और बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो वो है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 19,190 यूनिट्स बिकी हैं। ब्रिजा ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी है बल्कि इस महीने की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी है। तो ये थी वो 25 एसयूवी जो अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।